नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ विराज खटखड़ के फार्म हाउस पे। आज ये आपको बताएंगे कि पपी बीमार हो जाए तो उसको मतलब घर पे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए आज इनसे पूछते हैं भी क्या कुछ करना है इसका। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो आपके पपीज़ हैं कई बार बीमार हो जाते हैं। ज़्यादा सर्दी होती है हमारे यहाँ पे, तो कई बार उसको निमोनिया की दिक्कत हो जाती है। पप्पी को खाना नहीं खाता वो, और बार बार चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है पप्पी, सो नहीं पाता ढंग से, और उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन में चला जाता है। अगर आपके पप्पी का टेम्परेचर डाउन में है तो आप समझो आपके पप्पी को निमोनिया है। अगर हाई में है तो उनको फीवर है। तो मेरे पास एक पप्पी है अपना, 17 डेज़ का पप्पी हो गया है। ये थोड़ा सा अभी बीमार है, इसको निमोनिया की दिक्कत है। कल शाम को इसका जो टेम्परेचर था वो 93.9 था। तो अभी हम पूरी रात मैंने इसको ट्रीटमेंट किया है, अभी इसका टेम्परेचर चेक करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे कौन सी मैंने दवाई यूज़ की है और आप भी कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है, आसपास डॉक्टर नहीं है, हर जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते पेट्स के, तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक डिजिटल थर्मामीटर, जिसकी वजह से आप आसानी से अपने पप्पी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर चेक करने के लिए मैं आपको बताऊँगा आपको क्या करना है। शुरू में आपको देखना है पप्पी जहाँ से पोटी करता है, आपको टेम्परेचर इसको ऑन करके वहाँ पे लगाना है इसको पोटी वाली जगह पे, और इसका टेम्परेचर चेक करना है। जैसे एक मिनट के करीब देखना है कि अपने आप बीप की आवाज़ आने लग जाएगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। कल शाम को इसका टेम्परेचर था 93.9, तो अभी इसका टेम्परेचर है 99.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 हो गया पूरा। तो इसको अभी फीवर है। रात को बिल्कुल लो टेम्परेचर था, इसकी सांसें भी जो सांस छोड़ रही थी वो भी ठंडी सांसें छोड़ रही थी। अब पपी खाना खा रहा अच्छे से, मैंने इसको पूरी रात ट्रीटमेंट किया है, हर 2 से 3 घंटे बाद इसको दवाई दी है। आज मैं आपको बताऊंगा दवाई कौन सी दी है मैंने। मैंने इसको दी है स्पोरिडेक्स लिक्विड में, लिक्विड में स्पोरिडेक्स मिलेगी आपको। तो आपको ये देनी है पपी को, वो एज के हिसाब से आपको देखना है कितने दिन का पपी है। तो मैंने इसको दिया है 1 से 2 ml के बीच में, बस मैक्सिमम इतना देना है आपको। अगर छोटा पप्पी है, 15 डेज़ का पप्पी है अभी, ये खाना भी अच्छे से खा रहा है, थोड़ा सा इसको फीवर है, फीवर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ठीक थोड़ी इसी और दवाई देने से। मेन चीज़ होती है निमोनिया में, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाने से पप्पी की जान जा सकती है, पप्पी खाना नहीं खा पाता। अभी इसका ये खाना आराम से खा रहा है, मैं आपको दिखा दूँगा खाना खिला के इसको। ये अभी खाना भी खा रहा है और दूध भी पी रहा है, अपनी माँ का दूध भी। अगर माँ का दूध नहीं अवेलेबल है तो आप निप्पल यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कटोरी से दूध या सेरेलैक इसको दे सकते हैं। वीडियो ना लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ करेंगे तो भाई थोड़ी हेल्प करो चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपको बताता रहूँगा जो अपना पर्सनल मैंने कोई डॉक्टरी नहीं की हुई, लेकिन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा आपके साथ। अभी इसको भूख लगी है, अभी देखते हैं ये खाना खाते हैं कि नहीं। देखो भाई दूध पीने लगी है ये, कल तो बिल्कुल मतलब इसने 24 घंटे तक दूध नहीं पिया था, कल 24 घंटे तक कुछ नहीं पिया भाई इसने, आज लगी है ये। अभी थोड़ा फीवर बाकी है बस, वो ठीक हो जाएगा आज, बिल्कुल ठीक हो जाएगी मतलब आज। आप भी ऐसे ही अपने पपीज की घर पर देखभाल कर सकते हो, क्योंकि सभी का बजट भी नहीं होता और किसी के पास डॉक्टर भी नहीं होता पास में, तो इसलिए आपके लिए ये ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं हम। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें यार।